प्यारे बच्चों, कक्षा 9 और कक्षा 11 में पढ़ने वाले विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक अपने विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया था या जो किसी भी कारण से प्रवेश नहीं ले पाए थे, उनके लिए खुशखबरी है। और साथ ही बच्चों, ये आपके लिए अंतिम और सुनहरा मौका है कि आपके लिए जो है वो डेट जो प्रवेश लेने की तिथि थी वो बढ़ा दी गई है। पहले जो है बच्चों, ये प्रवेश की तिथि जो है वो 21 सितंबर निर्धारित की गई थी। ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ये 21 सितंबर डेट थी प्रवेश की, और अब उसे बढ़ा दिया गया है, अब उसे कर दिया गया है 31 अक्टूबर तक। तो जो बच्चे रह गए थे प्रवेश लेने के लिए कक्षा 9 और कक्षा 11 में किसी भी कारण से, तो वो अपने विद्यालय में संपर्क कर रहे और अपनी फीस जो है वो विद्यालय में जा कर के जमा कर सकते हैं। इसकी डेट बढ़ गई है, आखिरी डेट जो है वो इसकी 31 अक्टूबर कर दी गई है बच्चों, ठीक है। तो आप जाइए विद्यालय में, संपर्क करिए और विद्यालय में प्रवेश लीजिए, फीस जमा कर दीजिए। साथ ही बच्चों, आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, फ़ोटो और आधार कार्ड और भी जो जानकारी आपके विद्यालय में चाहिए है वो उपलब्ध करा दीजिए, ताकि जो साथी बच्चों आप अपनी फ़ोटो, आधार कार्ड और भी जो जानकारी है वो आप अपने विद्यालय में उपलब्ध करा दीजिए, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो सके। और साथ ही आपका पंजीकरण शुल्क जो कि 50 रुपये निर्धारित किया गया है, उसे भी आपको विद्यालय में जमा करवाना है। और इसकी भी डेट बढ़ गई है बच्चों, संस्था के प्रधान के द्वारा जो कक्षा 9 एवं कक्षा 11 के छात्राओं का अग्रिम पंजीकरण शुल्क 50 रुपये जमा करने के लिए एक कोषागार में एक मुफ्त जमा करने की जो तिथि थी वो 30 सितंबर निर्धारित की गई थी, उसे भी अब बढ़ा दिया गया है, उसे अब 15 नवंबर तक कर दिया गया है। और आपका जो डाटा अपलोड होना है, जो आपका पंजीकरण होना है, तो आपका विवरण जो है वो जांचोपरांत जो है किसी भी प्रकार का संशोधन अगर वांछित है तो उसे संस्था के प्रधान के द्वारा पुनः वेबसाइट पर संशोधित या अपडेट करने की जो अवधि थी वो 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक निर्धारित थी, वो भी बढ़ा दी गई है बच्चों, वो 20 नवंबर तक कर दी गई है। तो आपका जो शैक्षिक विवरण है परिषद की वेबसाइट पर, वो जो अपलोड करने की तिथि थी उसे भी बढ़ा दिया गया है। पहले ये तिथि 30 सितंबर तक थी और अब उसे बढ़ा करके 15 नवंबर तक कर दिया गया है। बच्चों, जो बच्चे अगर रह गए हैं 9th और 11th में, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या प्रवेश नहीं लिया है उन लोगों ने, तो वो नेक्स्ट ईयर की बोर्ड के एग्ज़ाम में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट ईयर की 10th की जो एग्ज़ाम होगा, 12th का जो एग्ज़ाम होगा, वो नहीं दे पाएंगे। इसलिए उनका एक साल पहले यानी कक्षा 9th में और कक्षा 11 में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। तो आप जो है, ये आपके लिए सुनहरा मौका है, अंतिम मौका है, क्योंकि अब इसके बाद जो है डेट नहीं बढ़ेगी बच्चों। तो ये जो डेट बढ़ी है वो भी कोविड-19 के दृष्टिगत बढ़ी हुई है। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो विद्यालय में संपर्क नहीं कर पाए हैं और अपनी फ़ीस नहीं जमा कर पाए हैं। तो अगर वो बच्चे छूट गए हैं, उनके लिए अंतिम मौका है, वो विद्यालय में संपर्क करें और जा कर के अपनी फ़ीस जमा करें, अपने आवश्यक दस्तावेज जो है अपने विद्यालय में जमा करें और पंजीकरण शुल्क भी जमा करें। तो ये जानकारी जो थी वो आप लोगों के लिए उपलब्ध है।